दोस्तों नमस्ते, नेत्रा देवी जी ब्लॉग में आपका सुबह स्वागत है। कल जो हमने मटर उतारा था, आज देखो इसका हुरहा लगा, दिखाते हैं। हमें हुरहा पूरा भूज लेंगे, दिखाएंगे हम लोग किस तरह आप भूजते हैं। हम गाँव में बने रहिए, दिखाते हैं अभी। देखिए दोस्तों, अभी ये बन नमक मिर्च लहसुन अदरक का पेस्ट देखिए दोस्तों, इस तरह से और तोड़े थे हम लोग, बच्चे तोड़े थे मिलकर खुशी के मारे। देखिए इस तरह डाल दिए हैं, अभी भूजेंगे दिखाएंगे। बने रहिए हमारे ब्लॉग में। इस तरह हम लोग गांव में हुरहा भूजते हैं दोस्तों। अच्छे से कोई कमेंट करिए। हाँ, और देखिए हमारे प्रधान जी भी आए हैं। बाबा बाबा, हमारे प्रधान जी हैं। देखिए कितने प्रेम से बीन बीन के खा रहे हैं, हुरहा का मजा ले रहे हैं। तो बने रहिए दोस्तों, अभी दिखा। देखिए दोस्तों, अभी पाथी को ले जा, भूजा नहीं गया इसलिए पाथी ले जा रहे हैं। अभी इसे भरेंगे तो भूजेंगे, अच्छे तरीके से भूज जाएगा। ये गुनाई करना अच्छी तरीके से, नहीं मजा नहीं आएगा। फूक इधर भरी है, निकाल ले। देखिए दोस्तों, अब इसको पूरी तरीके से चलाते रहेंगे, नहीं तो जल जाएगा। अभी हो जाता है पूरी तरीके से, तब दिखाएंगे। देखिए दोस्तों की पिसाई हो रही, इसी के साथ स्वाद का मजा लिया जाएगा। हुरहा का मजा लीजिए। चलिए अभी जब पीस लिया जाएगा तब दिखाते हैं। दिखाई देखिए दोस्तों, नमक मिर्चा अभी इसी से खाएंगे सब। जी नमक, हाँ बैठो, चलो दिखाओ। देखिए दोस्तों, अब निकाल रहे हैं, निकालने के बाद हम लोग निकाल के अब खाएंगे। यहाँ पर दे रहे हैं, बहुत ही लजीज स्वाद होता है इसके साथ खाने से। मटर पनीर से भी अच्छा आता है भूज के खाने में नमक के साथ। इस तरह रख दिया है। उधर देखिए हमारे छोटू, हेलो दोस्तों। और इसे हम लोग हुरहा कहते हैं दोस्तों, इसे भूजते हैं तो इसका नाम हुरहा रखा गया है। हुरहा कहते हैं लोग गाँव, इसे हुरहा के नाम से जानेंगे। मोरवा ले ले, सही। तो खाया, मजा आया था। कैसे आई ला लखा, कैसे आवा था यार? बढ़िया बात है, हम तो यही कहा ना भूजे भरे, यही भूजे गुरु जी। बहुत अच्छा बा, नमक के साथ खाइए से का जा। अच्छा, कैसा स्वाद बा? इसका स्वाद बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बा। और ये मटर विनोद भाभी जी हमारे बहुत मन लगा के भूजे हैं, बचपन की याद आ जाती है इससे ना। हाँ, ये शाम के समय है, मनोरंजन के लिए नाश्ता किया जाता है। हाँ। चलिए दोस्तों, हम लोग हुरहा खा के खाली हो गए, अब चल रहे पीटिए इसको। अब पूरा नहीं पीटेंगे, अभी कुछ तरह से दुरान नहीं है दोस्तों, ये थोड़ा थोड़ा ऐसे दरदरा देंगे तो कल घाम लगेगा अच्छे से। तब भाम लग जाएगा, फिर सूखेगा दोस्तों, तो पीटेंगे हम लोग इसी तरह। बर कर देते हैं पूरा, अभी बने रहिए हमारे ब्लॉक में। देखिए दोस्तों, इस तरह पूरा हम कर देंगे तो ऊपर कल भाम लगेगा तो अच्छे से छोड़ेगा। हम लोग खाते दोस्तों इस तरह से, ऐसे हम लोग कर देते हैं, बाद में कल पीटा जाएगा ठीक से। ऐसे दबरा रहे हैं इसको, ऐसे दबाने से अच्छे से
दाना कुछ छूट जाता है, कुछ रह जाता है, तो कल जब भाम लगेगा तो अच्छे से पीसिएगा दोस्तों, पीसिएगा अच्छे से। देखिए पास से जो सूखा है वो छूट रहा है, फूल नहीं पका है। देखिए दोस्तों, पहले बैल होते थे गांव में तो बैल से दवरी बांधा जाता था, अब बैल नहीं रह गए हैं, ट्रैक्टर से तो दाएंगे नहीं दुआरे पर, हम लोग इसलिए हाथ से लाठी से पीटेंगे दोस्तों, और पूरा पीट लेंगे तो दिखाएंगे कितना हमारा मटर पैदा हुआ है, तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में। देखिए इस तरह लाठी से पलटा जाता है और सब पीटा जाता है, और देखते हैं तो नीचे ऊपर ऊपर के नीचे हो जाता है दोस्तों इस तरह से। देखिए इस तरह पहले ज्यादा आराम होता था दोस्तों, क्योंकि जब जानवरों के द्वारा बैल के द्वारा जब दवाई की जाती थी तो उसमें आसानी रहती थी, बैल एक आदमी दोस्तों इसमें तो हम लोग हाथ से ही पीटते हैं, मैंने लाठी से पीटते हैं, मने रहिए पूरी तरह। तो अगर हम लोग पीट लेते हैं जब ये छोटे छोटे हो जाता है तो मफलर जैसा गद्दे जैसा काम करता है, इस पर हम लेटते हैं, हम लोग लेटते थे बचपन में, मैंने पुराने जमाने में, मैंने 30 साल पहले की बात है दोस्तों, बने रहिए आप लोग। अब तो कोई नहीं सीखता लेकिन फिर भी अच्छा लगता है, वो दिन पल याद आता है, काम उसी तरह किया जाता है दोस्तों जैसे पहले किया जाता था। अब तो फिर 50 साल पहले वाला दिन आ गया है दोस्तों, जो कि बर्धा नहीं है तो हाथ से पीटा जाएगा, तो बने रहिए दोस्तों। अभी पूरा पीटा नहीं गया है, कतरा दिए हैं हम लोग दोस्तों, देखिए पूरा हम इसे उलट उलट दिए हैं इस तरह से, और ये कल पीटा जाएगा पूरी तरह से, उसका दाना निकाला जाएगा दोस्तों। इसी तरह ये 2-3 दिन लगेगा इसके सफराने में। तो अगर दोस्तों आज का वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कमेंट लाइक जरूर करना दोस्तों, हमारे चैनल में नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्ते, बाय दोस्तों।